हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुजरात राज्य में स्थित जूनागढ़ जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोज़ देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, जूनागढ़ जिला के बारे में कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ कर नीचे कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। तो जूनागढ़ ज़िला, यह ज़िला भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित गुजरात के कुल 38 जिलों में से एक जूनागढ़ ज़िला के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ ज़िला भारत देश के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा गुजरात के बड़े बड़े ज़िलों के साथ मिलती है। जूनागढ़ ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस जूनागढ़ शहर में ही मौजूद है, और जूनागढ़ पड़ोसी ज़िले का नाम राजकोट ज़िला, गिर सोमनाथ ज़िला और पोरबंदर ज़िला है। जूनागढ़ ज़िला में 10 ब्लॉक, 547 गांव, 11 सरकारी बैंक, एक मुख्य सरकारी कॉलेज, एक मुख्य बिजली घर और एक नगर पालिका शामिल है। क्षेत्रफल की बात करें तो गुजरात राज्य में स्थित जूनागढ़ ज़िले का कुल क्षेत्रफल 5093 वर्ग किलोमीटर है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जूनागढ़ ज़िला की कुल आबादी 15,27,329 है। इस ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या GJ11 है। जूनागढ़ ज़िले का औसत लिंगानुपात 952 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुष पर 952 महिला हैं। इस ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 87% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 12% है। जूनागढ़ ज़िला के मुख्य नदी का नाम मेघल नदी है। मेघल नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 339 किलोमीटर, जयपुर से 953 किलोमीटर, मुंबई से 838 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1222 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। जूनागढ़ ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम धीरू भाई अंबानी, जो कि भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला जो कि कवि, परवीन बीबी एक्टर, और मुश्ताक मोहम्मद क्रिकेटर जो कि 1947 में भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे, उनका जन्म यहीं जूनागढ़ में हुआ था। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के वासी गुजरात के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 8E गुजरती है, जो आगे चलकर गुजरात के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो जूनागढ़ ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम जूनागढ़ जंक्शन है। इस जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म और 5 पटरी शामिल है, और जूनागढ़ जंक्शन का स्टेशन कोड JND है, और यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के भावनगर डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 78% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 78% लोग पढ़े लिखे हैं। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: सरदार पटेल महिला बीएड कॉलेज, श्री JN भट्ट कॉलेज, महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जूनागढ़ जूनियर एजुकेशन, बदादिन आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर, चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल, पटेल इंटर कॉलेज, ये सभी जूनागढ़ ज़िला में ही मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो जूनागढ़ ज़िला के मुख्य अस्पतालों में शुमार सिविल हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, गोकुल हॉस्पिटल, डॉक्टर चिकालिया हॉस्पिटल, संघनी हॉस्पिटल, सामदेव हॉस्पिटल,
वुमेन केयर हॉस्पिटल, कनानी हॉस्पिटल आदि शामिल है। ये सभी जूनागढ़ ज़िला में ही मौजूद हैं, जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो गुजरात का जूनागढ़ ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ पर कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाकर आनंद उठा सकते हैं। इस ज़िले के मुख्य पर्यटन स्थल में शुमार अशोक शिला लेक, सासनगीर, अदिकदी वाव, बिलीगडम डैम, सकरबाग चिड़ियाघर, नौधाम कुओं, मोहब्बत मकबरा, गिन्नार पर्वत, दामोदर कुंड आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं, जहां पर लोग घूमते रहते हैं। दोस्तों, जूनागढ़ ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।